हेलो एवरीवन, आपका फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम बिहार जुडिशियल सर्विस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। उसमें हमने शुरुआत की थी 30वीं न्यायिक सेवा की के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जीएस, जीके, जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन की, जिनमें हमने पहले वीडियो में 35 क्वेश्चन देखे थे। आज इस वाले वीडियो में हम देख रहे हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला का जो स्थल है वो कहाँ पर है? तो ये भीमबेटका में है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस काल से प्राप्त हुआ है? तो पाटने से। प्राग सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से। ये भी एक टची क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। 39 नंबर, चिरान पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? नवपाषाणिक संस्कृति। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान रहा है? तो लोहे का। महावीर का जन्म स्थान कुंड ग्राम है, बहुत जगह कुंडल वन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं कुंडल ग्राम भी लिखा रहता है, लेकिन तीनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये भी बहुत टची क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया। पाटलिपुत्र किस वंश की राजवंश की राजधानी थी? तो मगध। अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य, आप सबको पता है। कभी कभार लोग उसका आंसर अशोक भी दे देते हैं, बट उसका आंसर अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? कलिंग। आप लोगों ने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी, उसमें भी यही दिखाया है, तो ये सबको पता है। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? अशोक। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? गुप्त। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, जो अभिलेख है, वो चंद्र संबंधित है और किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति, ओहो कैसा क्वेश्चन है, आप ही लोग देखिए, राजेंद्र प्रसाद। किस शासक ने गुलामों के लिए विभाग स्थापित किए थे? फिरोज शाह तुगलक। अकबरनामा कितने खंड में लिखे गए हैं? तीन। रज्मनामा का हिंदी ग्रंथ, रज्मनामा जो हिंदी ग्रंथ है उसका फारसी अनुवाद है, अनुवाद, सॉरी मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हो गया। रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? तो महाभारत का नाम ही है रज्मनामा, और इसी का ट्रांसलेशन फारसी में किया गया। रज्मनामा जो है फारसी ट्रांसलेशन है महाभारत का। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कोलकाता में है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है कालिदास। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन और देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है, आपको पता है, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे देखने के लिए। वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, दो बार देख लीजिएगा, कोई वैसे क्वेश्चन नहीं है जो आपको याद नहीं होंगे, आपको पहले से भी आते होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। पढ़ते रहिए जैसे पढ़ रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारे सामने डेट नहीं आती है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन 24-25 तक अगर एडमिट कार्ड इशू नहीं होता है तो जाहिर सी बात, तब तो डेट आगे जाएगी ही जाएगी। फिलहाल अभी के लिए कुछ नहीं बोल सकते, जैसे पढ़ रहे पढ़िए। गुड बाय, गुड लक, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं।